कंचाई ठीक चाई बढ़िया रही। और तुमने क्या कह रहा है? हमन होमवर्क कह रिया है और अब हमन 2 दिन की छुट्टी छन। क्या ये हफ्ता भी हमन घर घूम घूम पापा? ना बेटा, खुश हो जाओ। मैं सोचू छो कि ये हफ्ता तुम थे तुम्हारे चाचा घर ली जाओ। आजकल उखक मौसम भी बढ़िया चु। जाओ अपन माँ खुण बोला कि तैयार कर लो। ये हम चाचा जी का घर जाला। हमारे पापा सबसे अच्छा छे। अब हम घुमड़ा कुन जोला। दादी दादी, पता आपके पापा हम सभी उठे चाचा जी का घर घुमड़ा कुन ले जा रहा छे। हाँ दादी, हम सब दगड़ी जोला बड़ो मजा आल। सच्ची संजय? बाबा संजय। हाँ माँ जी। कब जान और क्या क्या कपड़ा धरने उक ठंड बंदे इतनी छे कितने दिन को जान छोगा। माँ तुम दो क्या करूँ अख रास्ता में ठंड और तुम दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं रह और फिर गाड़ी मायूत को कौन जगह भी नहीं हुई। तुम एक अपर घरम रावा और रामू जो तुम थे दिखड़ा कौन। रामू? ओ रामू। जी साहब। रामू हम सब 2 दिन कौन बाहर जाना चाह। तुम माँ और पिताजी की देखभाल ठीक से कर। जी साहब, आप चिंता ना करो। माँ दादा दादी ते भी ले जोला हम सुकड़ी बैठ जोला वेजीली जगह। बेटा बड़ा लोगो का पीछा माने बोलता। तुम अपने तैयार करो हम थे हमल काम कर देवा। बाबा संजय। हाँ पिताजी। क्या ये छुट्टियों में हम सब दगड़ी नहीं रह सकता? किले क्या बात हुई? अरे बाबा परसों तेरे माँ को जन्मदिन भेजे मैं सोचो कि हम सब दगड़ी रहें तो तेर मात अच्छा लग दो। ना पिताजी, इन बार ना अगली बार दिखला। ठीक चे बाबा ठीक चे। पापा मैं नीचे जाऊँ मैं जहाँ जू नीचे हूँ और मैं अपनी फाइल भी पढ़ा। किले क्या भाई पैर तो तू पैदल यू छे अब क्या भाई? बेटा तेरी तबीयत तो ठीक छे? मम्मा मेरी तबीयत तो ठीक छे पर मैं जो नीचे बोलो उख जान मैं घर पर रह लूं। एक राम मुझे हमारे ख्याल रखूं तू जा ले आओ। चलो ठीक छे जान तुम्हारी मर्जी पर हम तो जान पाल किले की हमन कमल कुर बोले। पर तुम दुया बाद हमको फनी करे कि हम तुम्हारे बगैर घोड़ा को चल गयो और बगैर हमारे तुम्हारे घर हम बोल भेजा। और ये बात संजय और पूजा 2 दिन खोन कमला घर चल जंदन पर वक्त पहुंचे ऊठे अपर बच्चों बगैर अच्छी लग दू और वो दुया एक ही दिन मा अपर घर वापस आ जदन। घर पहुंचे ऊ दरवाजा का घंटी बजंदन पर दरज नहीं खुल्द तो ऊठे चिंता हूं फिर दरवाजे की घंटी बजदन। दरज खुल्द। क्या बारे रामू इतना देर के लिए कार बाहर खोल मा अरे क्या होने बड़े हो छो त्यार हो क्या छो रख चल हट समर बटक ये सब क्या हो रहे छो। राहुल क्या चाहिए? पापा आज दादी का जन्मदिन छे तो मैं अपने दोस्तों को बुला पार्टी करूँ छो का छन त्यार दोस्त ये छिन ये सब छिन मेरा दोस्त पर इन सब तो बुजुर्ग लोग छन। दादा दादी अपन मुखौटा तो उतारो। माँ पिताजी क्या उड़ चुई? पापा ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये मेरा दगर खेल दें मेरे होमवर्क करना मदद कर दें जब भी मुझे जरूरत हो ये मेरा दगर रह दें और मेरे हर बात थे समझ दें। पापा दादा दादी के तौर पर पूरी जिंदगी आप सभी ख्याल रखना में लगा दें और अब जब हमारी बारी छे तो हम उनकी मन की बात नहीं छो बीन सकड़ा। बेटा मैं बहुत बड़ी गलती वे गए मैं माँ और पिताजी की भावना ते नहीं समझ सकूँ हम उन त्यागक मोल नहीं पहचान सक। माँ
पिताजी मिता माफ कर दो, हम अपर माँ पिताजी दगर इन कन के कर सकता। माँ पिताजी हमसे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती रह गई। ना बाबा इन्हीं बोलो, हमर तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हार दगर ची। अपर बच्चा अग्नि बढ़न खुश रावन, हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर दो। चलो चलो सब मिलके दादी के जन्मदिन मनाओला। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। दादा दादी यू शब्द सोनी की ही एक अलग एहसास दिला। छोटे बच्चों की जिंदगी यूं की एक खास जगह हूँ, पर जन जन हम बड़ा हूँ तन तन ये शब्द ये एहसास हमसे दूर दूर हो बैठ जा। दादा दादी हमारे जीवन में सबसे खास और जरूरी छन, यू छन जो अपनी सारी जिंदगी पहले तो हमारे माँ बाप खून खर्च कर दें और बाद में हम यानी कि अपने नाती नतनों को निछावर कर देना। हम अपनी गृहस्थी इतना व्यस्त हो जाओ कि हम उठे खाना चाय कपड़ा थकें दिशान देखी और उनके दवा दारू करें, समझ दो कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई है। पर क्या सच में हमारी जिम्मेदारी एक में खत्म हो जा ना, उठे ये अलावा भी कुछ चैन और वो चीज हमारे वक्त और हमर हजारों साल ये मेरी है आरज़ू।